हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। तो सबसे पहले हम एमएस एक्सेल की फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट मिले हैं हमको। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ नेम टाइप किए हैं और यहाँ से कुछ प्रोडक्ट ऑफ सेल टाइप किए हैं, राइट। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट ऑफ सेल तो दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन नंबर के बीच में यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, राइट। तो अगर हम जनरली अगर सम करने जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा एरर का, राइट। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपने इक्वल टाइप किया, इक्वल टू सम, राइट, ब्रैकेट स्टार्ट किया और रेंज को आपने सेलेक्ट किया और देन ब्रैकेट को क्लोज किया और देन नॉर्मल इंटर प्रेस किया, तो रिजल्ट यहाँ से एरर है। बट इसका रिजल्ट, इसका सॉल्यूशंस आप कुछ इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ से आपको नॉर्मल इंटर नहीं प्रेस करना है, यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है, राइट। तो पहले आपको करना होगा इक्वल टू, यहाँ करना होगा सम, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से इफ एरर और देन उसके बाद यहाँ से आपको रेंज सेलेक्ट करना है, राइट। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा और यहाँ से एरर को जीरो करना है, राइट, और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको नॉर्मल इंटर नहीं प्रेस करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे इंडिकेशन में आपको बताया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप सम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।